झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त मैं झारखंड की उप राजधानी दुमका में हूँ। दुमका में जब आप आएंगे तो आपको ये टावर चौक सामने नजर आ जाएगा दुमका प्रवेश करने के साथ ही, और इसी के ठीक बगल में आपको भीड़ दिखेगी। सुबह के वक्त आए, शाम के वक्त आए, कभी भी आए, दोपहर के वक्त भी आए, तो आपको ये दुकान सबसे ज्यादा यहाँ आपको रौनक दिखेगी, क्योंकि बहुत सस्ते में आप नाश्ता भी कर सकते हैं, अपना पेट भी भर सकते हैं। लेकिन समय चुनाव का है, इन चुनाव की ही बात कर लेते हैं। दादा, कब है चुनाव? आपको पता है दुमका में कब चुनाव होना है, वोट करना है? 20 तारीख को। 20 को होना है। क्या रहेगा इस बार मुद्दा दुमका में? मुद्दा विकास का है, और विकास के लिए जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा काम कर रही है। अभी कर रही है काम? हाँ। जैसे क्या आपको लगता है, क्या अच्छा हो रहा है? वो सारा काम यहाँ उसका ठीक ही हो रहा है। ठीक हो रहा है, मतलब एक दो काम अगर आपको जो अच्छा लग रहा है वो अगर आप बताएं। वो जो सारा जो है कार्यक्रम कर रहा है वो दिखाई पड़ रहा है उसका, तो सारा योजना के हिसाब से। क्या दादा? हाँ, आपको दुमका में कुछ इस बात तो कह रहा है बीजेपी ने सुनील सोरेन को बगल से लाया है। जो आया है वो ये आएगा, हेमानी आएगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है? देखिए, वो महिला का बहुत सुरक्षित किया है, 1000 रुपया जो योजना दिया है, इसीलिए वो हेमानी आएगा। हेमानी आएगा। मतलब आप महिला सम्मान योजना की? हाँ, महिला सम्मान। इसके अलावा दुमका में क्या हो गया? दुमका के लिए दुमका में बहुत काम हुआ है, सड़क योजना हुआ है, बहुत काम हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है, काम हुआ। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि दुमका में काम हुआ। बाबू, कितने में खाते हो? 10 रुपए में। ये रोज आते हो क्या यहाँ खाने? हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हो। रहने वाले कहाँ के हो? सारठ। सारठ से हो? अच्छा, सारठ में भी तो कौन है विधायक, याद है? रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह जी, ठीक है। तो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो यहीं नाश्ता करते हैं? हाँ। तो देखिए, मैंने चूंकि कहा कि यहाँ जो विक्रम जी हैं उनकी ये दुकान है, और आपको बहुत सारे आइटम जो यहाँ मूढ़ी से लेकर बाकी जो खाने के नाश्ते के रूप में कहें, तो दादा देखिए यहाँ नाश्ता कर भी रहे हैं। विक्रम जी, लोग आते हैं नाश्ता के लिए तो कुछ चुनाव का चर्चा कर रहे हैं कि ना? आपस में बात करते हैं लोग? करते होंगे, लेकिन अभी हम धंधा में फंसे हुए हैं। धंधा में लगे रहते हैं कुछ? आपको, आपका तो दुकान बहुत पुराना है, हम बहुत बार आते हैं आपके यहाँ, तो ये दुमका बदल रहा है धीरे धीरे, आपको लग रहा है कुछ और कुछ होना चाहिए आपको? होना चाहिए। जैसे आपको लगता है कुछ क्या जरूरी है कि ये काम थोड़ा हो जाता तो और अच्छा हो जाता? हमको तो उतना समझ, विक्रम जी कह रहे हैं हमको उतना समझ में नहीं आता। कैसा टेस्ट रहता है इसका? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। विक्रम जी कुछ कंजूसी कर रहे हैं क्या अभी सामान वान देने में? ठीक देते हैं। कड़वा तेल का छाकते हैं, सबसे बड़ा बात है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? गंगाधर मंडल। गंगाधर जी, ये दुमका में अगर हम लोग बात करें तो चुनाव का समय आ गया है, तो अभी क्या आप लोग को लग रहा है, जो नए बीजेपी ने नए उम्मीदवार के रूप में हम कहें बगल का जो जामा से सुनील सोरेन को लाया है, लुइस मरांडी का टिकट कट गया? देखिए, जो ठीक काम कर रहा है उसको वोट मिलेगा ही। ठीक का मतलब कैसे? हम लोग अब क्या बोले, कौन ठीक काम कर रहा है? जो ठीक काम कर रहा है उसको वोट देना है, बस खत्म। जो ठीक कर रहा है हाँ उसको वोट देना है। हाँ। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, जो सही है उसको वोट देना है। क्या दादा? हाँ सर, बोलिए। सही कौन फिर? सवाल तो यही कि सही कौन है? सही जो युवाओं का विकास करेगा वही सही है। जो युवा में तो फिर शिक्षा आएगा, रोजगार आएगा। शिक्षा है, रोजगार है। हमारे युवा, हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे लिए शिक्षा सबसे बेहतर हो। आज हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, वो दुमका में साधन हो जाएगा तो दुमका में पढ़ेंगे। पढ़ाई के लिए आप ये एक जरूरी होता है, शिक्षा के हिसाब से आप तो युवा हैं, रोजगार के हिसाब से दुमका में ये कहा भी जाता है। हमको याद है कोविड के समय, आप देखिए जो कितने लोग जो बाहर से आए थे, पहली जो ट्रेन आई थी रांची उसमें सबसे ज्यादा इसी इलाके से लोग। नहीं, ठीक है, उस क्षेत्र में तो काम हो रही है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, कोई भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ लूटने का काम करती है। बीजेपी में देख लीजिए, जब रघुवर सरकार थी उस समय नौकरी दिया ही नहीं दिया, लेकिन जो भी दो चार दिया साफ सुथरा हुआ। जेएमएम का सरकार हम लोग लाए थे कि नहीं नौकरी देगा, रोजगार देगा, अभी क्या हुआ, सब सीट बिक रहा है। तो सबसे पहले जहां हम लोग को 2 रुपया 4 रुपया नहीं चाहिए, कोई दीदी योजना या कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए, जो कि सरकार नहीं कर रही है, कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो। आप ये कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी हो, रोजगार पर कोई काम, रोजगार पे कोई काम नहीं कर रही? नहीं कर रही है, बोल रही है प्राइवेट नौकरी करो। अरे भाई, प्राइवेट क्यों करें? हम पढ़े हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, क्या हम प्राइवेट करने के लिए किए हैं? सीजीएल का एग्जाम आज 10 साल हो गया है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जितना भी एग्जाम हो रहा है देख रहे हैं, सीट बिक रहा है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सीट बिक रहा है क्या? क्या दादा, चाय, आपकी तो चाय की दुकान है,
यहाँ के चाय पीते समय तो बहुत सारा चर्चा हो रही होगी। चर्चा होते रहती है, होते रहती है। और सब तो होते रहे। इस बार सबसे ज्यादा क्या चर्चा हो रही है? दोनों का चर्चा होते रहता है। बस आ रहा ना आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन आ रहा था? जेबे वाला एकदम। क्यों, मतलब कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। यहाँ से। अच्छा, बस आपने काम किया? एकदम किया। कैसे नहीं किया है? 200 यूनिट बिजली माफ किया है। महिला सम्मान योजना में सर, हर लेडीज को 1000 रूपए महीना टाइमली घुस रहा है। कैसा नहीं की डेट पार हो के घुस रहा है, ठीक है। उसके बाद जिंदने के बाद 2500 का वादा किया है, ठीक है। अभी फ्रंट में जो मिल रहा है आदमी को वो भी देख रहा है, बाद में मिलने का वादा भी किया। बात रह गया नौकरी का, नौकरी लेने के लिए आदमी को सक्षम भी होना पड़ता है। नौकरी द्वार में पहुंचा के नहीं देता है कोई भी नेता या कोई भी विभाग, समझे। अभी अभी जो ये आ गए आप, इस बार तो दंगल में नया एक नाम आया, सुनील सोरेन, बगल से जामा से है, उनके आने से कुछ होगा? कुछ ना फर्क पड़ने वाला, हवा में उड़ जाएगा, जैसे हवा में उड़ता है सब वैसे उड़ जाएगा। जेएमएम है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई जो लोग भी आ रहे हैं बाहर से सब हवा में उड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए फिर से नाश्ता लगना शुरू हो गया है और इसी तरह एक एक करके जो लोग यहाँ आते हैं, दुमका में अगर कोई आए तो आपको यहाँ ये नाश्ता जरूर दिख जाएगा। बहुत सस्ता है और सस्ता होने के साथ साथ जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो पॉलिटिकल चर्चा भी करते हैं। और दादा आप दुमका से ही हैं? दुमका से हैं। हाँ, दुमके से ही है। दुमका में कुछ आपको दिख रहा है, कुछ बदलाव कितने दिन से आप हैं? सब बदलाव कुछ तो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक दो चीज, जैसे आप पूछिए किसी चीज में, सड़क बहुत बढ़िया है, कहीं कोई तकलीफ नहीं, और थोड़े बहुत है तो वो हर जगह पे है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। साथ ही कह रहे थे कि शिक्षा के लिए थोड़ा और कॉलेज हो जाए। वो जो स्टूडेंट है जिनको लेना देना, हम लोग बिजनेस रिलेटेड करते हैं तो हम लोग को आपको, अच्छा यार बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। ये आप व्यापारी वर्ग से हैं, दुमका शांत है, कोई धंधा पानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं? क्राइम है भी तो वो क्राइम नहीं बोलते उसको, उतना सा तो रहता ही है हर जगह पे। आप लोगों को कोई परेशानी? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात, और उन्होंने कही कि यहाँ दुमका में जो काम करने वाले लोग हैं, खासकर अगर हम व्यापारियों की बात कर लें तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं और जो बदलाव, जो राजनीतिक रूप से जो बातें हो रही हैं, चाहे वो उम्मीदवारों को बदल देने की बात कर लें या फिर सरकार बदलने को लेकर बात कर लें, लेकिन दुमका के जो लोग हैं वो फिलहाल इस मूड में नहीं दिख रहे हैं। कोई आए कोई जाए, वो बहुत शांत दिमाग से सरकार की योजनाओं को भी तौल रहे हैं और इसके साथ साथ जो विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर भी खुलकर बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 दुमका।